नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आंवला की खट्टी और मीठी मिठाई और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर दिख रही है। आंवले में विटामिन सी होता है तो जल्दी से हम लोग आंवला तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन इस मिठाई को बनाकर रखने से हम इसे खा सकते हैं और इस मिठाई को बच्चे भी पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवला लिए हैं और जिन्हें हमने 2 सीटी लगाकर उबाल लिया था। साथ में हमने इसे 1 कप पानी डाला था और सीटी लगाकर अच्छे से उबाल लिया है। इसकी अब हम कलियां निकाल लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे। इस तरह से ये उभरे हुए आंवले हैं और इनकी गुठलियां हम अलग कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आंवले को छील लेते हैं और आंवला हमने निकाल कर एक साइड रख लिया है, गुठलियों को अलग कर दिया है। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे और जार में हम इन्हें डाल देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा। और सारे आंवले हमने डाल दिए हैं और ये उबले हुए हैं तो इनमें पीसने में हमने पानी नहीं डाला है अभी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और इसका देखें, हमने बहुत ही बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही महीन बनकर तैयार हुआ है। इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है मिठाई को बनाने के लिए और इसमें अब हम डाल देंगे जो आंवला हमने पीस कर रखा है। आंवले की मिठाई थोड़ा मीठी और खट्टी अच्छी बनती है तो यहाँ पे मैंने आंवले को पीस कर इसमें डाला है और इस तरह से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे या फिर धीमे पर रखेंगे। आप इसे मीडियम आंच में भी भून सकते हैं या फिर धीमे पर, और इसी तरह लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों से इस मिठाई को बनाने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे इसका पानी थोड़ा सा जल सा गया है, इस तरह से ये काफी सूखा दिख रहा है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब चीनी ली है। 250 ग्राम आंवले में हमने 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी थोड़ा सा ज्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, यानी जितने हमारे आंवले हैं उसका आधा हिस्सा हम इसमें चीनी को डाल सकते हैं, क्योंकि आंवला खट्टे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और मैंने इसे सिर्फ 2 चीज़ों से बनाया है। आपको थोड़ा सा चटपटा पसंद हो तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और गरम मसाला हल्का सा डाल सकते हैं। और देखें, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच आरारोट लिया है तो आंवलों को आपको इसी तरह से भूनना पड़ेगा अच्छा सूखा दिखने लगे। और इसे आरारोट को हमने 1 चम्मच पानी से इस तरह से एक घोल बना लिया है। अब हम इसे डाल देंगे। ये जो मिठाई है, आरारोट हम इसलिए डाल रहे हैं, ये जो मिठाई है इसे सेट करने में ये इसकी मदद करेगा, ये अच्छे से सेट हो पाएगी। अब हम आरारोट डालने के बाद भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच में भून लेंगे। और इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसमें ऑरेंज या पीला कलर डाल सकते हैं हल्का सा, पर ये बिना कलर के ही अच्छी सी बनकर तैयार हुई है, देखने में भी सुंदर लग रही है तो कलर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखें, एक डो की तरह ये कंबाइन होने लगा है, हमने इसे अच्छे से भून लिया है, कितना बढ़िया ये सिमट रहा है। तो इसी तरह से हमें इसे भूनना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही बढ़िया भून कर तैयार हो गया है तो गैस को हम बंद कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। और इसे हमने जमाने के लिए एक थाली ले ली है जिसे हमने ग्रीस कर लिया है, तो कोई भी प्लेट या थाली आप ले सकते हैं। और अब हम इसे जमा देंगे तो इस तरह से हम इसे फैला देंगे।
अगर आपको ये सेट होने में कोई भी दिक्कत करे तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे हमने अच्छे से फैला दिया है तो चम्मच की सहायता से हम इसे चिकना कर लेते हैं। तो चम्मच के पीछे आप तेल जरूर लगा लें और फिर इसे चिकना करें। सेट करने में दिक्कत हो तो आप इसे धूप में जरूर रखें, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी धूप में। अब हम इसे सेट करने के लिए 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और देखें अच्छे से सेट हो गई है, काफी सूखी दिखने लगी है। तो अब हम इसे काट देंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इसके गोल से कटर से काट लिए हैं। आप चाकू की सहायता से इसके चौकोर पीस भी काट सकते हैं या फिर कोई भी ढक्कन से आप इस तरह से गोल भी इसे काट सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी की मिठाई भी काट कर निकाल लेंगे। अब मिठाई काटने के बाद हमने यहाँ पे सूखी चीनी ली है पिसी हुई, तो इसके ऊपर हल्का सा लगा देंगे तो ये देखने में सुंदर दिखने लगेगी और बहुत ही बढ़िया ये दिखने लगी है। इसी तरह हम बाकी के ऊपर भी चीनी लगा लेते हैं। मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ।